हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं एस्पिरेशन फॉर टुडे चैनल पर सबको स्वागत है। गाइस मैं हूं आप लोगों के साथ आपकी होस्ट शाहुन भाई। तो गाइस ये जो अलंका प्रीमियर की लीग चल रही है, इसकी जो फास्ट प्रेडिक्शन मैंने किया था वो तो ज़बरदस्त रहा होगा आप लोगों के लिए। तो यार एक से लिए तो एक लाइक बनता है ज़रूर, लेकिन आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं मारा, कोई कमेंट्स नहीं करते हो तो यार ये क्या बात है। आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छे अच्छे जैकपॉट मैच लेके आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं मार रही हो, ये बहुत ही कि बुरी बात है। तो मैं चिंता कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो मैं जल्दी से जल्दी बंद करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आप लोग तो मुझे पसंद नहीं करते हो, कोई प्रेडिक्शन अच्छा नहीं होता है। तो मेरी समझ में आ गया है कि आप लोग मुझे बहुत ही बुरा जानते हो, यानी कि पसंद नहीं करते हो। तो क्या लगता है आप लोगों को, तो इस वीडियो में मैं देखूँगा कि कौन कौन भाई जो है वो मेरे को प्यार करता है, यानी कि वीडियो को लाइक मारता है और शेयर करता है। होप करते हैं कि इस वीडियो में यार 100 लाइक तो ज़रूर आएगा, आप लोग दोगे तो देखते हैं क्या होता है, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी करोगे। तो चलो बात करते हैं मैच के बारे में। तो ये जो चौथी मैच के बारे में बात करूँगा, तो चौथी मैच आज मुकाबला करने वाला है ये जो कैंडी फैल्कन और ये जो गली ग्लेडिएटर्स। तो दोनों टीमों की अगर बीच बात किया जाए, दोनों टीमों की हेड टू हेड, तो दोनों टीमों ने अब तक 4 बार मुकाबला किया है। 4 बार से 2 बार जीता है कैंडी ने और 2 बार जीता है गली ने। तो दोनों की रिजल्ट जो हेड टू हेड के बारे में वो लेवल है, कोई भी टीम आगे या फिर कोई भी टीम लूजर नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। तो दोनों टीमों की जब आमना सामना होती है तो बहुत ही एक अच्छी मैच देखने को मिलेगी आप लोगों को स्टेडियम में। तो ये तो था हेड टू हेड, और बात करूँ स्टेडियम की, तो स्टेडियम जो है वो ही है स्टेडियम राजा पक्ष स्टेडियम। एवरेज स्कोर 160 से लेकर 180 और सेकेंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर हो सकती है 140 से लेकर 150, जैसा कि मैंने बोला था कैंडी के बारे में और कोलंबो के बारे में वही हुआ था। तो इस मैच में भी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए 100 देने के लिए, मेरी बेस्ट देने के लिए। क्या होता है ये तो सब यार वो उतना अच्छा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मेरी जो बेस्ट है मैं बेस्ट देने के लिए आप लोगों को। तो पहले बात करते हैं गली के बारे में। तो गली की जो कल मैच खेला था अपना के साथ, बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप था, सभी बॉलर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया था, सभी बॉलर ने विकेट गिराया था, रन कम दिया था, मेडल भी लिया था। वहाब रियाज बहुत ही अच्छी कमबैक किया है टी10 के बाद, तो सभी बॉलर जो है वो अच्छी ठीक ठाक है, लेकिन बैट्समैन जो है वो ओपनर दो को छोड़ के कोई भी बैट्समैन उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जैसे कि होप किया था सभी ने कि इफ्तिकार अहमद कुछ करेगा, क्योंकि इफ्तिकार अहमद ने टी10 में जिस तरह से फॉर्म में था, बहुत ही अच्छी फॉर्म में था, 3 मैच खेल के वो बहुत ही हाई स्कोरिंग बनाया था, लेकिन T20 में आके वो उसकी फॉर्मेट जो है ना वो लूजर हो जाती है। ये जो इफ्तिकार अहमद की फॉर्मेट है, इफ्तिकार अहमद इस टीम की एक की प्लेयर है और मैच चेंजिंग एक प्लेयर है, उसको छोड़ के बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर भी है इस टीम पर, और पाकिस्तान के और एक प्लेयर है जो अपने दम पर मैच को जीता सकते हैं, मैच को कभी भी पलट सकती है, वो है कि इमाद वसीम, अच्छे ऑलराउंडर है ये जो इमाद वसीम है। गली के पास अच्छा अच्छा प्लेयर है, लेकिन कोई भी बैट्समैन जो है वो फॉर्म में नहीं है, ये एक दिक्कत की बात है। तो बात करते हैं दूसरी टीम यानी कि कैंडी के बारे में। तो कैंडी की जो बैट्समैन आप लोगों ने कल देखा होगा कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है, बहुत ही खुश मिजाज में है दोनों ये जो इसी टीम की प्लेयर एंड्रू फ्लेचर कल फर्स्ट मैच खेला है बहुत दिनों के बाद, वो इंजरी में था और कोई भी लीग नहीं खेल रहा था, अपनी इंटरनेशनल पर भी नहीं देखा पाया ये जो एंड्रू फ्लेचर को, लेकिन बहुत दिनों के बाद पहली मैच में वो सेंचुरी हाँकाया है सिर्फ 67 बॉलों पर। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, 2-6 और 11-4 मारा था एंड्रू फ्लेचर ने। तो एंड्रू फ्लेचर की जो फॉर्म जो कमबैक किया है ये बहुत एक अच्छी बात है कैंडी के लिए, क्योंकि एंड्रू फ्लेचर एक ऐसा प्लेयर है ना जो अपनी दम पर अकेला बैठ करके वो मैच को जीता सकती है, और अगर वो फॉर्म में है तो ये कैंडी के लिए बहुत ही मुबारकबाद है और बहुत ही एक अच्छी बात है। उसके साथ यार निशाना का जिस तरह से खेला है कल, 50 किया है दोनों बैट्समैन ने यार, 150 के ऊपर रन बनाए, बहुत ही एक हाई स्कोरिंग रिकॉर्ड किया है दोनों प्लेयर ने। उसको छोड़ के यार निशाना का भी एक अच्छे बैट्समैन है, उसके छोड़ के यार बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर भी है इस टीम के पास, बॉलर भी ठीक ठाक है। ये जो हसरंगा है, हसरंगा तो मैंने बोला था कि ये जो हसरंगा है ना, हसरंगा अपनी पर मैच को जीता सकती है, आप लोगों को मैंने बोला था कल, क्योंकि कोलंबो भी एक अच्छी टीम था, लेकिन उसके साथ यार ये जो हसरंगा ने 4-4 विकेट गिराया था ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस दोनों टीमों की अगर प्लेयर के बारे में बात करूँ, तो दोनों टीमों की प्लेयर के बारे में बात करूँ तो मुझे ये जो गली की प्लेयर है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, आजम खान जैसा खतरनाक बैट्समैन है। तो यार गली के पास बहुत ही अच्छी अच्छी बैट्समैन भी है, अच्छी अच्छी बॉलर भी है, लेकिन वो फर्स्ट मैच तो हारा है, तो कोशिश करेगा इस मैच में वो कमबैक करने के लिए। और
दोनों टीमों की, तो मैंने आप लोग सब कुछ बता दिया, इस टीम के बारे में बता दिया। तो चलो यार बात करते हैं असली बात, यानी कि कौन सा टीम ये जो मैच है वो विन हो सकती है। ये जो देखो यार मेरी राय है, मैं तो बोलता हूँ मेरी प्लेयर स्टेडियम सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ मेरा बेस्ट देने के लिए आप लोगों को। तो यार उससे पहले एक लाइक तो बनता है वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी जल्दी से कर दो, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो। कौन है, मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, जो भी हो यार, मेरी फ़ैन हो यार, जो भी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को थोड़ा सा ग्रो करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं हूँ और मेरे लिए आप लोग हैं। तो दोनों को एक अच्छी अंडरस्टैंड में रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है, ये भी मैच कैंडी ने अपना नाम कर सकता है, क्योंकि यार कैंडी के पास एक अच्छी कॉन्फिडेंट आया है अपनी पहली मैच को जीत के। और एंड्रे फ्लेचर निशाना का अगर अभी भी फॉर्म में चल गए इस मैच में तो कोई बात नहीं यार, सोना पे सुहागा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोगों को जैसा लगता है कि अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग टीम यानी कि गली के साथ जाना चाहते हो तो गली के साथ जा सकते हो। तो चलते हैं आज के लिए।